दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, शाकुंभरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय यमुनानगर से। दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है क्या? पॉलीसिस्टिक और पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉली मैंने बहुत सारी, सिस्ट मैंने सिस्ट, मतलब ओवरी के अंदर बहुत सारी सिस्ट हो जाती हैं, इसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोला जाता है। उसका कारण क्या है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है? जब वो डिज जो वो सिस्ट है कोई सिम्टम प्रोड्यूस करती है तो उसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोला जाता है। कोई सिम्टम जब प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं वही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाती है। इसका बेसिकली कारण क्या है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का? इसका कारण क्या है? इसका जब जो ओवरीज में जो फॉलिकल्स बनने चाहिए वो फॉलिकल्स पूरे नहीं बनते, स्मॉल साइज रह जाते हैं, तो उसी को ही उसी की वजह से ओवरीज के अंदर छोटी छोटी जो सिस्ट है वो जो फॉलिकल स्मॉल सिस्ट के रूप में ओवरीज के अंदर जमा जाते हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट बोला जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के? इसके सिम्टम्स मेनली चार पांच प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। एक तो वेट रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। वेट रिलेटेड क्या रह गया? जैसे वेट रिलेटेड सिम्टम की वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी, मोटापा, भारीपन, शरीर में वजन का बढ़ जाना, ये सभी सिम्टम है। दूसरा क्या है कि स्किन रिलेटेड सिम्टम्स। स्किन रिलेटेड सिम्टम्स में क्या है कि जो स्किन है, स्किन के जो ऑयली स्किन हो जाती है बेसिकली, और स्किन का टेक्सचर खराब हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, चेहरे पर कील मुहासे आ जाते हैं, और एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, जो स्किन के ऊपर जो कई बार क्या होता है कि मूंछों पे या फिर चिन पे बाल आ जाते हैं, जिसको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ बोला जाता है। चौथा जो स्काल्प हेयर होते हैं, स्काल्प हेयर वो बहुत हल्के हो जाते हैं और झड़ने शुरू हो जाते हैं, स्काल्प हेयर भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। और क्या है कि इसमें जो है पीरियड्स रिलेटेड डिसऑर्डर भी आ जाते हैं कई बार। जैसे पीरियड्स में क्या दिक्कत है, एक तो हार्मोन इंबैलेंस हो जाता है। हार्मोन इंबैलेंस में क्या होता है कि जो पीरियड्स हैं उसकी वजह से पीरियड भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, या तो पीरियड्स होंगे ही नहीं, होंगे तो कई कई दिन बंद नहीं होंगे, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। चौथा और अल्टीमेटली ये सिम्टम्स क्या क्रिएट करते हैं, अल्टीमेटली जब पीरियड इरेगुलर होते हैं तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है, बेसिकली जो पेशेंट है वो कंसीव नहीं कर पाती, उसी की वजह से ही दिक्कत आती है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। बेसिकली कॉजेज़ क्या हैं पीसीओडी के? इसके वैसे तो बहुत सारे कॉजेज हैं, बट आयुर्वेद में मुख्यतः जो इसको आहार और विहार से हम इसके कॉजेज के बारे में बात कर सकते हैं। आहार मतलब जो हम खा रहे हैं और विहार मतलब जो हम कर रहे हैं। अगर आहार हमारा ठीक नहीं है, आहार में अगर हम भारी खाना खा रहे हैं, खाना तेल तला जो है बहुत ज़्यादा है डाइट में, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि पीसीओडी जो है वो उसकी संभावना ज़्यादा रहती है होने की। दूसरा विहार, जैसे विहार में क्या है कि जो लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो बिल्कुल एक्सरसाइज कम करना, दूसरा स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी पीसीओडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा क्या दिक्कत आती है कि तीसरा अगर लंबे टाइम पर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कोई यूज़ कर रहा है उसकी वजह से पीसीओडी की, और इसके अनेक ही बहुत सारे रीजन है। आयुर्वेद में हम इसको धातु अग्नि और जठराग्नि मानदेय से भी हम इसको ले सकते हैं। धातु जठराग्नि होती है जो हम खाना खा रहे हैं उसको पचाने के लिए जो शरीर में अग्नि होती है जिसको जठराग्नि बोलते हैं। अगर जठराग्नि मंद होगी तो उसकी वजह से भी पीसीओडी की संभावना बढ़ जाती है होने की। दूसरी और एक धातु अग्नि, धातु अग्नि यानी जो आपका मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ना हो उसकी वजह से भी जो पीसीओडी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसकी जो मेटाबॉलिज्म जब लो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि शरीर में मोटापा आना शुरू हो जाएगा, और मोटापा अल्टीमेटली लीड करता है पीसीओडी को, और पीसीओडी की वजह से क्या होता है इनफर्टिलिटी, कि बच्चा कंसीव करने में पूरी तरह नहीं हो पाता, कंसेप्शन नहीं हो पाती, क्योंकि बेसिकली जो फॉलिकल का जो साइज होना चाहिए वो साइज नहीं बन पाता फॉलिकल का, और उसकी वजह से क्या है कंसेप्शन होने में भी दिक्कत आती है। अब हम इसकी इसके बारे में बात करते हैं कि हम इसको इसके लिए क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं इसको रोकने के लिए, पीसीओडी के लिए। पीसीओडी को रोकने के लिए कोई बहुत, मतलब अगर हम प्रिकॉशंस लें तो उसी से ही काम चल जाएगा, पीसीओडी होगी ही नहीं, क्योंकि जो इसके कारण हैं अगर इसके कारण को ही हम ख़त्म कर देंगे तो पीसीओडी को ख़त्म करने की पीसीओडी होगी ही नहीं, तो उसके लिए आगे कोई ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके कारण, इसके जो प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, सबसे पहले तो हम आहार अपना हल्का कर दें, खाना हल्का भोजन करें, बिल्कुल लाइट भोजन, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दें। आयुर्वेद में इसके लिए लंघन वर्ड आया है, लंघन, लंघन का मतलब है कि जो अपने जो अपनी जो शरीर के अंदर जो जितना भी गुरु, जितना भी भारी जो भारीपन है उसको ख़त्म करना, शरीर से शरीर को बिल्कुल हल्का करना, लंघन बोला जाता है। उसके लंघन के लिए क्या कि हमें आहार अपना बिल्कुल हल्का करना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, जो जितने भी केमिकल्स जो हैं,
जो जितने भी जंक फूड में या कहीं पे भी जो केमिकल यूज होते हैं उन केमिकल्स का प्रयोग बिल्कुल बंद करना है। चौथा, हम एक एक्सरसाइज को भी इसमें बॉडी में एक्सरसाइज को भी करना है। एक्सरसाइज करेंगे उससे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा इस चीज़ का। एक्सरसाइज से भी बिल्कुल संभावना रहती है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है वो ख़त्म हो जाए। और एक मेडिटेशन, अगर जो स्ट्रेस रिलेटेड जो PCOD है वो मेडिटेशन से ठीक हो सकती है। मेडिटेशन करने से जो जितना भी स्ट्रेस है बॉडी के अंदर वो सारा ख़त्म हो जाता है, और से जो हार्मोनल इम्बेलेंस है वो सारा ठीक हो सकता है उसकी वजह से। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें इसके जो दिक्कत है, जो मतलब कारण है, इसकी जो फिजियोलॉजी है पीछे की क्यों हो रही है ये, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्यों हो रही है। बेसिकली इसमें ना दो अंदर दिक्कतें आती हैं। एक तो पहली बात, तो जो ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं वो स्मॉल साइज रह जाते हैं, वो पूरे नहीं बन पाते, उसकी वजह से ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं। सबसे पहले तो इसमें हम ट्रीटमेंट में जो सिस्ट बन गई हैं उनको, उन सिस्ट को ख़त्म करने के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा, जो फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, जो फॉलिकल्स नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको ताकत देने के लिए, उनको मैच्योर कराने के लिए भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट साइड बाय साइड दो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलानी चाहिए। सबसे पहले तो जो सिस्ट बन गई हैं उनको डिजॉल्व करने के लिए, और दूसरी जो फॉलिकल्स पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं उनको बनाने के लिए, ताकि फॉलिकल का साइज कंप्लीट हो और बिल्कुल कंसेप्शन में हेल्पफुल हो। तो PCOD में हमें दो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दो हो गई, एक तो सिस्ट को ख़त्म करना है, दूसरा फॉलिकल जो नहीं बन पा रहे हैं उनको बनाना है। तो अब सिस्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिस्ट को ख़त्म करने के लिए हम अपने जो पिछले 40 वर्षों से शाकुंभरी आयुर्वेदिक चिकित्सा लेकर बहुत सारे रोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसमें सिस्ट को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी औषधियाँ हैं। इसमें जो अगर आप कुछ घरेलू उपाय आप करना चाहते हैं तो जैसे आप लिख सकते हैं, अगर किसी को धात बाकनी मंदे की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज हुई हैं तो उसमें सिंपल बहुत एक छोटा सा नुस्खा है जो घर पे आप अपने यूज़ कर सकते हैं। सौंठ बाज़ार में बिल्कुल ईजिली मिल जाती है, काली मिर्च बिल्कुल ईजिली अवेलेबल है, पीपल, इन तीनों को बराबर मात्रा में ले लें और पीस कर इनका पाउडर कर लें, और दो दो चुटकी पाउडर की दिन में 3 बार लेंगे तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। इसको आयुर्वेद त्रिकटू चूर्ण बोलते हैं। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा, तो मेटाबॉलिज्म की वजह से जो आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज है उसको बहुत अच्छी तरह क्योर कर सकता है। दूसरा, अगर स्ट्रेस की वजह से आपको PCOD है, बेसिकली कारण समझना बहुत जरूरी है कि किस वजह से PCOD हो रही है। अगर स्ट्रेस की वजह से है तो मेडिटेशन का इसमें बेहतरीन रोल है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं प्रॉपर, पूरे लगभग 40 से 45 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, जो इरेगुलर पीरियड्स हैं उनमें रेगुलर होने शुरू हो जाएंगे। अगर जो PCOD है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से है तो उसमें अशोक की छाल का बहुत अच्छा रोल है। आप अशोक की छाल और अश्वगंधा जो है उन दोनों का पाउडर बनाकर, बेसिकली जो सारा सिस्टम है ब्रेन से चलता है, तो जो फॉलिकल जो हैं, जो अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा ब्रेन से तो उसकी वजह से दोबारा कोई जो फॉलिकल हैं पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाएंगे। तो अगर हमें इसके साथ जो ओवरीज का ट्रीटमेंट तो देना ही है, साथ में ब्रेन का ट्रीटमेंट हर मेडिसिन में आपको देने की जरूरत है, ताकि आपके ब्रेन में मैचुरेशन प्रॉपर तरीके से हो। तो इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसके लिए हमें हर कोई भी किसी भी कारण से हो पर ब्रेन का ट्रीटमेंट साथ में ज़रूर देना है। सबसे पहले जो अगर धातुवाग्नि मानदे की वजह से है तो आप जो मैंने आपको बताया सौंठ, काली मिर्च और पीपल, इनका चूर्ण यूज़ करते हैं। अगर मेंटल स्ट्रेस की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो रही है तो इसमें आप मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है। अश्वगंधा का चूर्ण इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अश्वगंधा का चूर्ण 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम दो टाइम ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आप त्रिकटू का जो पाउडर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज अगर हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से हो रही है तो उसके लिए आपको अशोक की छाल और अश्वगंधा का चूर्ण आप यूज़ कर सकते हैं। चौथा, अगर बेसिकली क्या है कि अगर जो सिस्ट है वो फॉर्म हो गई हैं सिस्ट के लिए, तो क्या है कि कांचनार की छाल और गोक्षुर इन दोनों को बराबर मात्रा में ले लें, और इनको एक दर्डा फर्डा मोटा मोटा सा इनका पाउडर कर लें। 2 ग्लास पानी में 2 चम्मच उस पाउडर के भिगोएं, रात को भिगोएं और सुबह उबाल कर उसको छान कर, जब एक कप रह जाए तो छानना है, छान के ठंडा करके पी लें, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है PCOD के अंदर। और अगर ये तो हो गया सिस्ट का ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट आता है अगर फॉलिकल नहीं बन रहे हैं, फॉलिकल को बनाने के लिए भी तो साथ के साथ एक ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप नोट कर लीजिए, उसके लिए एक तो गोरखमुंडी,
अश्वगंधा, गाजवान, अजवाइन और मुलेठी, इन पांचों चीज़ों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। उनको उनका मोटा मोटा दरड़ा फटा चूर्ण कर लीजिए, मोटा मोटा सा पाउडर कर लीजिए। उसको दो गिलास पानी में एक चम्मच रात को भिगोएं, सुबह बॉयल करें। जब उबलते उबलते दो गिलास पानी का एक कप रहे तो छान के ठंडा करके पी लीजिए। यही जो ट्रीटमेंट है आप लेना शुरू कीजिए, इसी से आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। अगर बाई चांस किसी वजह से इन उपायों से भी आपको कोई रिलीफ ना मिल रहा हो तो आप कभी भी हमारे यहाँ शाकुंभरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय यमुनानगर पर आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी आप जानकारी लेनी हो, मेरा फ़ोन नंबर है 9896092993। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कीजिए, कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, या अपने कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट टाइप करके कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी राय लेनी हो तो आप डायरेक्ट जो क्लिनिक है हमारा, डायरेक्ट क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस है शाकुंभरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नियर मोहिंद्रा पेट्रोल पंप, यमुनानगर। धन्यवाद। मैं समय समय पर आपको इसी तरह के जो सुझाव देता रहूँगा। अगर आप कोई भी किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे चाहते हैं कि मैं आपके सामने लाइव आऊँ तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे बताइए कि किस विषय पे आप बातचीत करना चाहते हैं, तो उसी विषय पे मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे आपको हम डिटेलिंग करेंगे। धन्यवाद।